देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। खैर, यहाँ पे आपके पास तीन फंक्शन है, 2x, 3cos x और e की पावर x। तो हमें पता होता है कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है ये एक लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों फंक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 3cos x और प्लस cos x dx प्लस आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx हो जाएगा। तो तीनों फंक्शन को इसने सेपरेटली हैंडल कर लिया क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये 2 आपका नेक्स्ट स्टेप में बाहर आ जाएगा, 3 भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास पड़ा हुआ है वो डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में है, सबके फार्मूला आपको पता है। यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 मतलब 2, x की पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन ऑफ x हो गया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है ना, तो ये हो गया आपका। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x, और एक ये रहा इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट, दैट इज अ फाइनल आंसर।